गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज डिस्कस करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है। इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रमोशन क्या है, जो किस किस स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले स्टेज आती है प्रमोशन, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि प्रमोशन में हम आइडिया था, आइडिया को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे थे। अब इसके बाद आएगा रजिस्ट्रेशन। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन में ही हमने डिस्कस किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। दो प्रकार के डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और कौन सा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वैसे तीसरा एक प्रोस्पेक्टस भी होता है, ठीक है। तीन प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस। ऐसा नहीं है कि और भी डॉक्यूमेंट नहीं होते, डॉक्यूमेंट तो और भी होते हैं, लेकिन ये मेन डॉक्यूमेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये मेन डॉक्यूमेंट है जो शो करने होते हैं, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। बेटा अगर मैंने प्रोस्पेक्टस यूज किया है तो ये पब्लिक कंपनी के लिए, ठीक है, प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती, क्योंकि प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक के लिए जारी किया जाता है। जनरल पब्लिक कौन, जो कि शेयर जारी करते हैं, जनरल पब्लिक उसे खरीद सकती है, उनके लिए जारी किया जाता है। बाकी ये दो दोनों जरूरी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। बाय चांस ये शो नहीं करते तो इसके लिए टेबल, इसके प्लेस पर टेबल एफ, वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ही पार्ट है, बस उसमें थोड़ा सा कम आपको डेटा शो करना होता है और कुछ नहीं। लेकिन ये मेन डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव, भाई आपके आपका उद्देश्य क्या है, कौन डायरेक्टर है, क्या कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल, ये सब कुछ इसमें शो किया जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसको प्राप्त करने के रूल्स हैं। मान लीजिए कोई ट्रांसफर भी कर रहा है शेयर, तो क्या कब शेयर कर ट्रांसफर कर सकता है, कोई छोड़ के जा रहा है तो कब छोड़ के जा सकता है, बहुत से रूल होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम वैसे आगे डिस्कस करेंगे इसका पूरा कंटेंट। और तीसरा आता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस के बारे में पब्लिक कंपनी में ही हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन का, लास्ट टॉपिक कि हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया है, ये सारे पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो आगे थर्ड स्टेज आएगी वो केवल पब्लिक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट के लिए नहीं होती है। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है। इनकॉर्पोरेशन के फायदे भी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम, चलिए अब हम पढ़ते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। देखिए अब प्राइवेट कंपनी और आप पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो शेयर जारी नहीं करेगी और पब्लिक कंपनी जो जनरल पब्लिक को शेयर जारी कर देती है। अब प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी विच डजंट हैव शेयर कैपिटल कैन कमेंस इट्स बिजनेस जस्ट आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी विच डजंट हैव शेयर कैपिटल, ठीक है, फिलहाल जो अभी शेयर कैपिटल से मनी नहीं लेना चाह रही, जो जनरल पब्लिक फिलहाल उसकी बात की गई है, कैन कमेंस इट बिजनेस जस्ट आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड। तो मेन यहाँ बेटा प्राइवेट की बात की गई है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, वो जैसे ही इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तुरंत बिजनेस को शुरू कर सकती है। यहाँ कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज अप्लाई ओनली टू पब्लिक कंपनी विथ शेयर कैपिटल, ठीक है, उसके लिए है जो पब्लिक कंपनी है और फिलहाल अभी शेयर कैपिटल का उसने प्रावधान रखा है कि शेयर कैपिटल वो जारी करेगी आगे और लोगों को इनवाइट करेगी, ठीक है, तो उसके लिए ये है। फिलहाल अगर कोई कंपनी नहीं अगर जारी करना चाह रही है तो वो तो फिलहाल मेन प्राइवेट में ही आ गई है और वो शुरू कर सकती है अपने बिजनेस को जैसे इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ बेटा पब्लिक में भी कई पार्ट्स होते हैं, फिलहाल इतना हम अभी थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनी जो फिलहाल शेयर कैपिटल पर डिपेंड हो रही है कि हम जनरल पब्लिक से ही पैसे लेंगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है। जैसे देखिए
अंडर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में, कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्राइब कैपिटल जारी किया जाएगा, शेयर जारी किए जाएंगे जब जो है सब्सक्रिप्शन स्टेज आएगी, व्यक्ति क्या करेगा सब्सक्राइब करेगा यानी सब्सक्रिप्शन देगा, मीन्स एप्लीकेशन देगा। अंडर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज आ प्रमोटर हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में जो प्रमोटर है, प्रमोटर कौन था, जो व्यवसाय को शुरू करता है, ठीक है, विचार करता है, उसके माइंड में आइडिया आता है और उसको वो पूरा भी करके दिखाता है, वो कहलाया जाएगा प्रमोटर। देखिए, हैज टू परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल, तो रिक्वायर यानी जरूरत वाली कैपिटल, कितनी कैपिटल की जरूरत है, तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को वो परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस, देखिए क्या है, कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू जनरल पब्लिक, कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को, एंड वन कॉपी ऑफ दिस सेंड टू द रजिस्ट्रार। ध्यान से देखिएगा, पब्लिक कंपनी की बात की गई है, कंपनी इश्यू करती है प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को और एक कॉपी रजिस्ट्रार को दे देती है। द बैंकर रिसीव द एप्लीकेशन फॉर शेयर, बैंकर भी इसमें, बैंकर बिटवीन था ना, पीछे कल हमने डिस्कस किया था जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें बैंकर भी है, तो बैंकर के माध्यम से ही तो होगी सारी ट्रांजेक्शन। हम जो बेटा कोई भी प्रकार के शेयर खरीद रहे हैं तो मनी किसके माध्यम से जाएगी, बैंक, बैंक भी तो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, बैंक ही एक अंडरराइटर का कार्य करता है, जिस मैंने बोलता है SBI ICICI बैंक ये अंडरराइटिंग का कार्य करता है, तो वो हमें भेज देगा, हम क्या करेंगे, बैंकों के साथ ही तो रिलेशन बनाएंगे, वो कोई भी ट्रांजेक्शन है सब ऑनलाइन ही होती है, ठीक है, तो बैंक के थ्रू ही तो मनी जाएगी। देखिए, कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू जनरल पब्लिक, ठीक है, कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को और वन कॉपी देन दिस इज सेंड टू द रजिस्ट्रार को दे दी जाती है। बैंकर रिसीव द एप्लीकेशन फॉर शेयर, ठीक है, अब बैंक के माध्यम से ही होता है सारा कार्य, बैंक रिसीव द एप्लीकेशन फॉर शेयर, ठीक है, जैसे बेटा अब हमें भी मान लीजिए सैलरीज की बात करें तो वो कहाँ आती है, हमारे, हम कहाँ कैश लेते हैं, हमारी भी तो अकाउंट में ही जाती है, तो बिटवीन कौन आ गया, बैंकर आ गया ना, तो यहाँ भी तो ऐसी सारी ट्रांजेक्शन कैसे चलती है, बैंक के माध्यम से, तो बैंक रिसीव करता है एप्लीकेशन शेयर के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन यानी जो हम जो आम जनरल पब्लिक है वो आप खरीदना चाहते हैं शेयर, तो हम क्या देंगे, एप्लीकेशन, ठीक है, और एप्लीकेशन पर कुछ मनी भी देनी होती है, ठीक, कितनी मनी वो कंपनी डिसाइड करती है। आगे देखिए, बैंक रिसीव एप्लीकेशन फॉर शेयर, इफ द कंपनी रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या कर लेती है, रिसीव कर लेती है, देखिए अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या कर लेती है, रिसीव कर लेती है, तो वो शेयर जारी कर सकती है। इस लाइन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिएगा, फिर यहां से करा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कंपनी इश्यू करती है प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को और एक कॉपी किसको देती है, रजिस्ट्रार को, फिर बैंकर बिटवीन आएगा, बैंकर जो है एप्लीकेशन रिसीव करता है शेयर्स के लिए। इफ द कंपनी रिसीव कर लेती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था 90% एप्लीकेशन आनी जरूरी है, यानी जितना भी अमाउंट लेना है उसमें 90% अमाउंट लोग देने के लिए तैयार है, तब उसे अथॉरिटी मिलेगी, शेयर जारी कर देगी, अदरवाइज जितना भी एप्लीकेशन पर कुछ मनी देनी पड़ती है तो वो भी वापस देनी पड़ेगी। मिनिमम अमाउंट विच हैज बीन गिवन इन द प्रोस्पेक्टस रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, तो मिनिमम अमाउंट जो भी है प्राप्त जरूर होना चाहिए, जो 90% बोला है, ठीक है, शेयर को सेल करने पर। देन द डायरेक्टर पास द प्रपोजल ऑफ अलॉटमेंट, तब ही डायरेक्टर पास कर पाता है अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट लेटर इज सेंड टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब जो हम है, ठीक है, अलॉटमेंट यानी अलॉट कर रहे हैं शेयर, पहले हम एप्लीकेशन देते हैं, पहले तो कंपनी जारी करती है कि वो शेयर जारी कर रही है, ठीक है, पहले कंपनी की स्टेप उठाती है, कंपनी क्या कर रही है, शेयर जारी कर रही है, यानी वो इशूड कैपिटल आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन कैपिटल यानी हम एप्लीकेशन देते हैं, हम खरीदना चाहते हैं, उसके बाद बेटा अलॉट करती है, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन जाता है उसके बाद अलॉट करती है यानी हमें जारी करती है शेयर, फिर बेचती है, तो बेचते ही बेचेगी तब शेयर, तब बेचेगी जब पहले एप्लीकेशन आ जाएगी, जितनी आनी चाहिए कम से कम 90% पैसा कवर हो जाए, इतनी एप्लीकेशन आ जानी चाहिए, यानी 1 लाख है, 1 लाख का 90% 90,000 रुपीज तक देने की हमें संभावना मिल रही हो, एप्लीकेशन इतनी आ रही कि 90,000 इजिली कलेक्ट हो जाएंगे, तो हम आगे स्टेप उठाएंगे। देखिए,
मिनिमम अमाउंट विच हैज बीन गिवन जो प्रोस्पेक्टर है रिसीव हो जाता है तब वो शेयर सेल कर सकती है। अब डायरेक्टर अलॉटमेंट का प्रपोजल पास कर देता है, अलॉटमेंट लेटर सेंड कर दिया जाता है एप्लीकेंट को, और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज सेंड टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज सेंड टू द रजिस्ट्रार, ऐसे ही रजिस्ट्रार को भी सेंड कर दिया जाता है, ठीक है, अलॉटमेंट की एक रिटर्न कि अलॉट कर दिया गया है। इफ द कंपनीज नॉट एबल टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को क्या नहीं कर पाती, प्राप्त नहीं कर पाती विद इन, ध्यान दीजिएगा, 120 days ऑफ इशूइंग दी प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस जारी करती है, प्रोस्पेक्टस कौन, जो कि कंपनी, पब्लिक कंपनी अगर शेयर जारी करे तो प्रोस्पेक्टस भी जारी करती है, सिर्फ 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days ऑफ इशूइंग दी प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया, और 120 days के अंतर्गत विद इन 120 days मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी प्राप्त नहीं होता, एप्लीकेशन आएगी, पहले इतनी एप्लीकेशन नहीं आती है, तो आगे देखिए क्या लिखा, देन इट कैन नॉट, जैसे मैंने कल बताया था, अलॉट द शेयर, तब वो शेयर को अलॉट नहीं कर सकती, बल्कि जिसने एप्लीकेशन भेजी भी है ना, जितनी भी, चाहे 85% तक की एप्लीकेशन आ गई है, 5% और रह रहा था, कोई 5% और भेज दे तो 90% का कोटा पूरा हो जाएगा, लेकिन वो 5% भी रहेगी ना तो भी बेकार, सबको वापस देना पड़ेगा रिफंड, जो एप्लीकेशन पे एक मनी दी जाती है, एप्लीकेशन के साथ मनी देते हैं, मिनिमम अमाउंट मंगाते हैं, वो वापस देना पड़ेगा, ठीक है। आगे इट कैन नॉट अलॉट द शेयर, ठीक है, तो इट कैन नॉट अलॉट द शेयर, तो आप शेयर अलॉट नहीं कर सकती, एंड इट हैज टू रिफंड, तो उन्हें रिफंड भी करनी पड़ती है मनी इट हैज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो उन्होंने एप्लीकेशन पर रिसीव करी है वो भी क्या करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, रिफंड करनी पड़ती है। व्हेन अ पब्लिक कंपनी इनवाइट द जनरल पब्लिक टू परचेज द शेयर, अगर पब्लिक कंपनी इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को, क्या करती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है परचेज करने के लिए शेयर ऑफ कंपनी, इट कैन नॉट अलॉट द शेयर, तो वो शेयर तब तक नहीं देगी, अभी तो इनवाइट कर रही है, अभी सिर्फ इनवाइट कर रही है कि आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए, एक्चुअली रूप से शेयर उनके पास नहीं गए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के साथ कुछ मनी वो जारी करेगी, वो मनी देनी पड़ेगी, ठीक है, एक मिनिमम मनी, टिल द टाइम इट रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो 90% है वो प्राप्त नहीं हो जाएगा, इतनी एप्लीकेशन नहीं आ जाती तब तक वो अलॉट नहीं कर सकती, जिसकी एप्लीकेशन आ भी गई उनको शेयर नहीं दे सकती, और बल्कि अगर 90% पूरा नहीं हुआ, जिसकी एप्लीकेशन आ भी गई कि उन्हें शेयर चाहिए, बल्कि एप्लीकेशन साथ मनी भी दिए उन्होंने, कुछ मनी मांगती है, ठीक है, शेयर्स पर कुछ मनी मांगती है, तो वो भी वापस देनी पड़ती है, वो भी वापस देनी पड़ती है, ठीक है। दिस मनी इज कलेक्टेड फॉर दी फॉलोइंग पर्पस, निम्नलिखित प्रकार से मनी कलेक्ट की जाती है, देखिए, इट कैन नॉट अलॉट, जब तक शेयर जारी नहीं किए जाते, कब तक, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं हो जाता, और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों कलेक्ट किया जाता है, निम्नलिखित प्रकार के पर्पस से, जैसे देखें, फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एसेट्स ऑलरेडी परचेज और टू बी परचेज बाय कंपनी, ये इसलिए मनी कलेक्ट की जाती है कि आप उधार ही तो है बेटा, शेयर यानी उधार ही तो ले रहे हैं एक तरीके से, तो 90% तो उधार आ जाना चाहिए, किस पर्पज से, अगर ये मनी आ जाएगी तो पेमेंट कर पाएंगे एसेट्स की जो हमने ऑलरेडी परचेज कर रखी है या परचेज करने वाले हैं, जैसे भी है, टू पे प्रिलिमरी एक्सपेंसिस अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटर की तो हेल्प लेंगे, उसका कमीशन कहाँ से देंगे, पैसा आएगा जब ही तो देंगे, तो बहुत से खर्चे हैं, अंडर राइटर कमीशन हम दे पाएंगे, ठीक है, प्रिलिमरी एक्सपेंसिस शुरुआत करने के बहुत से खर्चे हैं व्यवसाय को, ठीक है, कुछ फीस भी देनी पड़ती है, सब कुछ, रीपे दी अमाउंट बोरोविंग फॉर दी अबोव टू पर्पस, ठीक है, टू रीपे दी अमाउंट बोरो फॉर दी अबोव टू पर्पस, कम से कम 90% तो आ जाए कि बेटा इन खर्चों, पहला दूसरे खर्चों को हम पूरा कर सके, ठीक है, जो उधार लिए शेयर यानी एक उधार ही तो लिए किसी से मनी, तो हम उसको रीपेमेंट कर सके अब वो दो पर्पस के लिए, ये दोनों पर्पस पूरे हो जाने चाहिए कि भाई कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट हमारे पास पहले से ही हो, कमीशन इन सब को हम कवर कर पाए, वर्किंग कैपिटल होती है डेली के खर्चे के लिए, ठीक है, तो पैसा इतना आ जाए डेली का खर्चा हमारा निकल जाए, डेली की रूटीन पेमेंट, रॉ मटेरियल पेमेंट करनी है कहाँ से देंगे, मनी तो होनी चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल उसे बोलते हैं, ठीक है, डेली के खर्चों को पूरा करने के लिए मनी होनी चाहिए, इसलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कराते हैं। अमाउंट फॉर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज कंसिडर ओनली द अमाउंट रिसीव इन कैश, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आ गया तो हम ये कंसिडर करेंगे कि मिनिमम अमाउंट रिसीव हो चुका है, कैश का मिनिमम अमाउंट आ चुका है,
द अमाउंट पेबल इन एनी अदर फॉर्म एक्सेप्ट कैश इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। द अमाउंट पेबल इन एनी अदर फॉर्म एक्सेप्ट कैश इज नॉट कंसिडर, कैश के अलावा और कोई अमाउंट जो है यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता। मीन्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया, एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन के साथ मनी भी आ गई है, एप्लीकेशन के साथ मनी भी देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि फ्री में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ मनी आपको देनी पड़ती है। तो एक तरीके से वो क्या है, कैश का है, कैश का ही रूप है। और एप्लीकेशन आ गई है यानी आपके पास अब नहीं पूरा अमाउंट, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट धीरे धीरे हम मंगा लेंगे, अगर शेयर दे देंगे तो वो किसके रूप में आएगा, कैश के रूप में। तो यहाँ ये कहते हैं जी ये कैश का ही रूप है और कोई रूप नहीं होता है, कैश ही आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, इफ एनी कंपनी विथ शेयर कैपिटल इज नॉट इशूइंग दी प्रोस्पेक्टस, अगर कोई कंपनी जो शेयर कैपिटल जारी कर रही है, मनी रिसीव करना चाह रही है, और अगर वो इशू नहीं करती प्रोस्पेक्टस, दैट कंपनी मस्ट सेंड अ स्टेटमेंट इन लियू ऑफ दी प्रोस्पेक्टस। तो उसे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जिसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी होती है प्रोस्पेक्टस की, ठीक है, कितने शेयर जारी कर रहे हैं, 1 रुपए का, मीन्स एक शेयर कितने का है, ठीक है, और कंपनी की पोजीशन कितनी है, सब कुछ, मेन और डिविडेंड की क्या है, किस तरीके से डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट का कोई प्रावधान है तो वो क्या है, सब कुछ गिवन होता है, जो मेन बातें हैं। आगे, या फिर किसी की हेल्प ले रही है अंडरराइटर की, तो उसका क्या कमीशन है, कुछ महत्वपूर्ण बातें इस स्टेटमेंट में दे देती है। प्रोस्पेक्टस पूरा नहीं बनाना, छोटा सा डॉक्यूमेंट बनवाना है, वो कहलाया जाएगा स्टेटमेंट। और रजिस्ट्रार को दे देती है एटलीस्ट 3 डे इन एडवांस प्रायर टू दी फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर और डिबेंचर। देखिए फर्स्ट अलॉटमेंट अभी बताती हूँ, और ये सेंड कर देती है किसको, रजिस्ट्रार को, एटलीस्ट 3 डेज इन एडवांस, 3 दिन पहले ही, किससे पहले, फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर अलॉट करने से। बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आ गया, एप्लीकेशन 90% आ चुकी है, जैसे एप्लीकेशन आ गई अब क्या किए जाते हैं, शेयर अलॉट किए जाते हैं, शेयर क्या किए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं। तो फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो सकता है जब शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, तो जो मनी मंगाई जा रही है वो इंस्टॉलमेंट में ही मंगाई जा रही, जो नहीं सारी मनी मंगाई जा रही, हो सकता है 2 रुपए अभी मंगाए जा रहे हो, 3 रुपए बाद में मंगाए जा रहे हो, 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये कहलाया जाता है कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फिलहाल अभी शेयर कुछ ही दिए जा रहे हैं मान लीजिए, तो फर्स्ट अलॉटमेंट से पहले ही, 3 दिन पहले ही ये स्टेटमेंट देनी पड़ती है डिबेंचर। आफ्टर दिस दी कंपनी हैज टू कंप्लीट दी, डिबेंचर के बारे में बता चुकी हूँ मैं, दी कंपनी हैज टू कंप्लीट दी अलॉटमेंट रिलेटेड जनरल प्रोसीजर लाइक सेंडिंग अलॉटमेंट लेटर, इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। इसके अलावा कंपनी को कंप्लीट, इसके बाद कंपनी जैसे ही रजिस्ट्रार को भेज देती है एक स्टेटमेंट, फिर उसको कंप्लीट करना होता है कौन सी प्रोसीजर की, अलॉटमेंट लेटर भी देगी वो, ठीक है, कुछ शेयर सर्टिफिकेट, इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट भी बनवाएगी, ये सारी फॉर्मेलिटी फिर इसके बाद पूरी करती है। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज थी, अब यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, ये क्या है, अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग द लिमिट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स है 90% ऑफ द साइज ऑफ इशू, जितना भी इशू कर रहे हो, मान लीजिए 1 लाख के शेयर जारी कर रहे हैं, यानी 1 लाख रुपीज आ जाने चाहिए, उसमें से 90% तो एप्लीकेशन आ जानी चाहिए, यानी 90,000 रुपीज आ जाएंगे, ये हमें आश्वासन पहले ही हो जाना चाहिए, इतनी एप्लीकेशन आ जानी चाहिए कि 90,000 रुपीज हमें आराम से रिसीव हो जाएंगे, इसे बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये था बेटा टॉपिक कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इसके फोर्थ स्टेप था जो हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ रहे थे। तो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के लिए कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वो तो जनरल पब्लिक को फिलहाल इनवाइट करेगी भी नहीं, तो वो शुरू हो सकती है जैसे ही बिजनेस शुरू होता है, लेकिन कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज शुरू होते आती है पब्लिक कंपनी के लिए जो शेयर जारी करेगी। कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत सबसे पहले प्रमोटर क्या करता है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करता है, इसके लिए वो क्या करेगा, जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस जारी करेगा, फिर एक एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है, लोग एप्लीकेशन भेजेंगे, एप्लीकेशन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूर आ जाने चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आता है तो जितनी भी एप्लीकेशन आई है एप्लीकेशन पर मनी जो आई है सारी रिफंड करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन पर जो मनी आई है वो क्या करनी पड़ेगी, सारी रिफंड करनी पड़ेगी, ठीक है। एप्लीकेशन पर मनी कैसे बेटा, इस तरीके से भी मंगा सकते हैं, मान लीजिए शेयर है 10 रुपए का एक शेयर है, तो उसमें एप्लीकेशन की मनी 1 रुपीज मांग रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 रुपए जो आ गए हैं पूरा ही रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वो कंपनी शेयर फिलहाल जारी नहीं कर पाएगी।
और अगर इसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाता है, इसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, यानी कंपनी किसकी हेल्प लेती है, अंडरराइटर की। तो अंडरराइटर इसलिए बनाया गया है ताकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं हो रहा तो वो खुद खरीद लेगा, तो कंपनी पूरी श्योर हो जाती है कि उसे शेयर जारी करने का पूरा अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि अंडरराइटर की उसने हेल्प ली है, लेकिन बदले में कमीशन भी लेगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं कर पाती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करनी पड़ेगी सारी ही मनी। और ये हम ऐसा क्यों किया जाता है, मिनिमम रिसीव क्यों की करवाई जाती है मनी, ताकि जो ऑलरेडी परचेज कर पाई है, परचेज कर ली है मान लीजिए मनी, ठीक है, सॉरी परचेज की है एसेट्स लेकिन उधार ली थी, तो उसका भाई शेयर का पैसा जाएगा, थोड़ा पेमेंट कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। और या आगे कुछ परचेज करना है इसके लिए, या कोई खर्चों को निकालने के लिए, या ये दोनों ही, अब वो दोनों पूरे हो जाने चाहिए, इसलिए हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रावधान रखते हैं, क्योंकि बेटा जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा तो परचेज कर पाएंगे, असेट्स भी परचेज कर पाएंगे, व्यवसाय चलेगा, चलेगा तो डिव प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड भी दे पाएंगे, वर्किंग कैपिटल के लिए भी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये था बेटा, अगर प्रोस्पेक्टस नहीं बनवा रही तो एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। काफी मैंने धीरे धीरे टॉपिक अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अच्छे से समझ भी आया होगा, एक बार चाहे इसके लिए दोबारा रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। चलिए बेटा आगे हम डिस्कस करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को शुरू करना। देखिए बिजनेस को शुरू करना, अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमिडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी तुरंत शुरू कर देती है बिजनेस को जैसे उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, ठीक है, जैसे शुरू हो जाता है शुरू कर देती है। बट आप पब्लिक कंपनी शुरू नहीं करती बिजनेस को जब तक वो एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्राप्त नहीं कर पाती, उसके लिए अब ये भी जरूरी हो जाता है। अब ये स्टेज केवल पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं है, वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला भी नहीं था प्राइवेट के लिए। चलिए, पब्लिक कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजन सेक्शन 11 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इसे निम्नलिखित प्रकार की जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, जैसे देखिए, इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग दी प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी इशू कर रही है प्रोस्पेक्टस, आ पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल यानी शेयर कैपिटल जारी करेगी, विच इन्वाइट, जो पब्लिक को इन्वाइट कर रही है ताकि वो सब्सक्राइब करे शेयर और डिबेंचर का जो भी जारी कर रही है, कैन नॉट स्टार्ट एनी ऑफ इट्स बिजनेस, जब तक वो स्टार्ट नहीं कर सकती अपना बिजनेस, अंटिल इट सेटिस्फाई, अगर निम्नलिखित प्रकार की कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर पाती तब तक वो जारी नहीं करेगी, जब तक वो शुरू नहीं कर पाएगी अपना व्यवसाय। व्यवसाय कब तक शुरू नहीं कर पाएगी, जब तक निम्नलिखित कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, कौन कौन सी कंडीशन है, अ कंपनी मस्ट रिसीव द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो 90% प्राप्त नहीं कर पाती तब तक वो शेयर जारी अलॉट नहीं कर पाएगी, ठीक है, शेयर जो जारी करने की पूरी प्रोसेस है फुलफिल नहीं कर पाएगी, ठीक है, विद इन 120 डेज डेट ऑफ इशू ऑफ दी प्रोस्पेक्टस, अभी हमने पढ़ा था ये। इसके बाद एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज पेड टू इट, तो हमने पढ़ा था बेटा डायरेक्टर भी शेयर्स खरीदते हैं प्राइवेट कंपनी के लिए, पहले बहुत जरूरी भी था लेकिन अब कुछ भी नहीं है, ये सब फिलहाल इसके लिए छूट दे दी गई, लेकिन पब्लिक वाले जनरली खरीदते हैं, तो एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड टू इट, हर एक डायरेक्टर जो कंपनी का है, या तो बेटा वो पेड जो करेगा जो भी उसने शेयर खरीदा है, या उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो अब कुछ समय बाद पे कर देगा, ये कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है, ये शो करना पड़ेगा। सेम प्रोपोर्शन में ही जैसे कि एक एप्लीकेशन रिसीव होती है, ऐसे ही ये डायरेक्टर भी स्टेप उठाएगा, पहले एप्लीकेशन देगा फिर इसको अलॉट किया जाएगा, जैसे शेयर होल्डर को अलॉट करते हैं शेयर, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो। अगला, देयर हैज बीन फाइल विद द रजिस्ट्रार आर ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर और सेक्रेटरी दैट द कंडीशन फर्स्ट सेकंड हैव बीन कॉम्प्लाई विद, यानी पालन हो चुका है। इसके बाद थर्ड स्टेप ये होता है कि रजिस्ट्रार को वेरीफाई कराना है, डिक्लेरेशन देना है, डिक्लेयर करना है, ठीक है, बताना है उसे, एक इंफॉर्मेशन देनी है किसकी, रिटर्न ही जाएगी कि वन ऑफ दी कम से कम एक जो डायरेक्टर है, चाहे एक डायरेक्टर है चाहे वो सेक्रेटरी है, ठीक है, सेक्रेटरी भी को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, तो दैट कंडीशन फर्स्ट सेकंड हैव बीन कंप्लाई, इन्होंने पूरा कर लिया है उस कंडीशन को, सेक्रेटरी मेन तो बेटा ये सभी, जैसे ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन आए, ये सारे डेटा रखना, ठीक है, ये सब रखती है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर क्या कर रहा है, अब ये शेयर्स खरीद रहा है या खरीदने का वादा कर रहा है, ऐसे जैसे कि शेयर होल्डर खरीदते हैं उस तरीके से स्टेप को फॉलो कर रहा है, तो ये कहेंगे जी सेक्रेटरी और डायरेक्टर ने फर्स्ट सेकेंड जो भी है कंडीशन उसको फुलफिल कर लिया है, तब शुरू कर हो सकती है अब कंपनी। इसके बाद
इन केस ऑफ कंपनी नॉट इशूइंग दिया, अगर वो प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर रही तो इसका भी हमने देखा था क्या करना पड़ेगा फिर कंपनी को, अगर पब्लिक कंपनी जो इशू नहीं कर रही है ठीक है प्रोस्पेक्टस पब्लिक को, तो वो देन दी ऑब्टेन सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एक पब्लिक कंपनी हैज नॉट इशू टू दी पब्लिक आ प्रोस्पेक्टस देन टू ऑब्टेन दी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इट हैज टू फॉलोइंग कंडीशन, अगर प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करी तो निम्नलिखित प्रकार की कंडीशन फुलफिल करेगी, कौन सी देखिए पीछे अभी अभी हमने डिस्कस किया था, अगर प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर रही तो इसके बदले में क्या जारी करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को, फर्स्ट लाइन। सेकेंड, एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज बेट थ्रू इट, ये वही लाइन है जो अभी ऊपर पड़ी थी, हर एक डायरेक्टर हैज पेड टू इट एंड फोर शेयर टेकन कॉन्ट्रैक्टेड टू टेकन बाय हिम, ये सेम वो ऊपर वाली लाइन है कि जो डायरेक्टर है या तो उसने शेयर खरीद लिया है या अभी शेयर खरीदने का वादा कर रहा है और सेम वैसे ही रिसीव करेगा जैसे कि शेयर होल्डर रिसीव करते हैं, वो ये एप्लीकेशन की मनी देगा, फिर अलॉट किए जाएंगे शेयर ठीक है उसी माध्यम से उसी प्रोपोर्शन में, इसको भी जैसे 10 रुपए का एक शेयर तो 10 रुपए का एक शेयर दिया जाएगा उसी माध्यम से ये खरीदेगा। देर हैज बीन फाइल अ डिक्लेरेशन, फिर एक डिक्लेयर करना पड़ेगा कि डायरेक्टर और सेक्रेटरी ने कंडीशन फर्स्ट सेकेंड दोनों ही क्या कर दी है फुलफिल कर दी है ठीक है। इसके बाद आता है आफ्टर फुलफिलिंग ऑल दी फॉर्मेलिटी, फुलफिल करने के बाद रजिस्ट्रार इशू कर देगा ठीक है क्या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब शुरू हो जाएगी क्या कंपनी, सच अ सर्टिफिकेट इज कंक्लूसिव एविडेंस, अब ये प्रूफ होता है कि कंपनी के पास एक अस्तित्व आ चुका है, अब वो बिजनेस को शुरू कर सकती है। तो ये था बेटा बिजनेस को शुरू करने के दो माध्यम है, प्राइवेट कंपनी तो जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाते शुरू कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी को निम्नलिखित कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, वो कौन सी है प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस जारी कर रही है ठीक है कर दीजिए, और उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं कर सकती शेयर जारी, डायरेक्टर ने शेयर खरीदने हैं या खरीदने का वादा कर रहा है ये थोड़ा फुलफिल करना पड़ेगा, फिर दोनों कंडीशन की पूरा प्रावधान पूरी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है सेक्रेटरी डायरेक्टर दोनों द्वारा, ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, अगर प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किए गए हैं इशू नहीं किए गए हैं तो इसकी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को, और बाकी सेकेंड थर्ड पॉइंट वही है जो मैंने अभी ऊपर बताए थे, इसके बाद शुरू हो जाएगा एक बिजनेस ठीक है। तो बेटा ये सर्टिफिकेट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट जो भी कंपनी का नेम है न्यू दिल्ली इनकॉर्पोरेटेड हुई है कंपनी 2013 ऑन द डे लिखना है, और ये रुपीज यहाँ लिखे हुए हैं ठीक है, यहाँ 2019 लिखना है, स्टेचर डिक्लेरेशन किया गया है कि वो सारे ही कंप्लाई पूरी कंडीशन को फुलफिल कर चुकी है ठीक है, इन माय हैंड कौन सा डे लिखना है और यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, यहाँ सिग्नेचर होंगे और यहाँ रजिस्टर ऑफ कंपनी ठीक है बेटा, ये एक स्पेसिमेन कॉपी दी है दिखाने के लिए कि इस तरीके से सर्टिफिकेट बनकर आता है। तो ये था बेटा जो हमने डिस्कस किया कि कैसे शुरू होगा, यानी हमने स्टेज पढ़ ली है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की स्टेज पढ़ लिया, कि फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले प्रमोशन होना जरूरी है वो पढ़ लिया है, इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है वो पढ़ लिया है, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कमेंसमेंट ये चीज पब्लिक कंपनी के लिए ये सब हमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा टॉपिक इसका भी डिस्कस कर लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट क्या है, देखिए मेन डॉक्यूमेंट यूज इन कंपनी फॉर्मेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं, तो बेटा ये अब कई बार बता चुकी हूँ ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस किसके लिए जारी किसके लिए जरूरी है केवल पब्लिक कंपनी के लिए, प्रोस्पेक्टस नहीं तो फिर वो एक स्टेटमेंट दे देगी है तो प्रोस्पेक्टस का ही पार्ट। चलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम पढ़ लेते हैं आज इसका डिस्कशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन दोज कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच आर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेटा इसका बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, वह कंडीशन है वह डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत कंपनी रजिस्टर्ड होती है जब ये डॉक्यूमेंट शो किए जाते हैं और इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड होते हैं, अ कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटिव विदाउट इट, इसके बिना इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, इन दिस डॉक्यूमेंट सारे राइट जो भी मिले हुए हैं कंपनी के शेयर होल्डर है ठीक है डायरेक्टर है सारे राइट ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड होते हैं, इनफैक्ट आ फाउंडेशन स्टोन, बेटा ध्यान दीजिए ये फाउंडेशन स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन इन विच कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश एज अ हाउस, ये एक फाउंडेशन स्टोन है, दिस डॉक्यूमेंट वर्क एज ये बाउंड्री वॉल, बाउंड्री बन गई यानी एक बाउंड्री अब सुरक्षित हो गई, ये बाउंड्री बन गई तो कंपनी है, ये वो डॉक्यूमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
एनी एक्ट डन बियॉन्ड इट्स कंसिडर अल्ट्रा वायस यानी इसके विपरीत, ठीक है। कोई भी एक्ट डन बियॉन्ड इट्स कंसिडर अल्ट्रा वायस, कोई भी एक्ट ठीक है डन इसके बाहर होता है वो अल्ट्रा वायस यानी हम कहेंगे इसके विपरीत माना जाता है। एवरी पर्सन ट्रांजेक्शन विद द कंपनीज पर्पस टू हैव फुल नॉलेज ऑफ अंडरलाइंग एक्टिविटी ऑफ कंपनी, हर एक पर्सन जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है कंपनी के साथ उसे पूरा नॉलेज होता है कंपनी में क्या क्या, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटी की जानी है। फिर देखिए बेटा ये क्या माना, ये क्या है, कंपनी का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, ये बाउंड्री लाइन होती है कंपनी की, ठीक है। एनी एक्ट डन बियॉन्ड आई इज कंसिडर अल्ट्रा वायर्स, ठीक है, कोई भी कंपनी का एक्ट, ठीक है, एक्ट के अंतर्गत ही ये बनता है, इज बियॉन्ड अ कंसिडर अल्ट्रा वायर्स यानी पावर से बाहर, इसमें जो भी होगा सब कुछ वो पावर में होगा, इसके बाहर कुछ भी कंसिडर नहीं होता है, सारी एक्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें सारे शो किए जाते हैं, राइट। एवरी पर्सन ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन को करा किया जाता है कंपनी के साथ सपोज टू हैव फुल नॉलेज ऑफ द अंडरलाइंग एक्टिविटी ऑफ कंपनी, उसे पूरा नॉलेज होता है कंपनी में क्या एक्टिविटी होनी है, वो क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है वही हमें शो करना है। इफ पर्सन एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, अगर कोई पर्सन भी एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के साथ विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ, और वो एक्टिविटी आउटसाइड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, देन कंपनी विल नॉट बी बाउंड बाय सच अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। इसे बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स, यानी जो एक्ट के अकॉर्डिंग आपने सारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव जो भी डिटरमाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे ऑब्जेक्टिव बेटा ऑथोराइज कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल आपने शो कर दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, अब इससे बाहर आप नहीं जा सकते, इससे बाहर जो है कैपिटल आप इश्यू नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको अलग से फॉर्मेलिटीज पूरी करके इसको इंक्रीज कराना पड़ेगा और फिर इसको दर्ज कराना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जितनी जितनी यहाँ पर मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखा हो, मान लीजिए 1 करोड़, तो 1 करोड़ से ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये वही बात हो गई कि मेमोरेंडम कोई भी एक्टिविटी जो मेमोरेंडम एसोसिएशन से में जो दर्ज से जो लिखा हो उससे बाहर है वो उसको आप नहीं कर सकते। द मेन एम ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन इज टू टेल दिस स्फीयर ऑफ कंपनी एक्टिविटी, ये एक क्षेत्र बना देता है जिसके अंतर्गत कंपनी को इस दायरे में रहकर ही एक्टिविटी करनी है, क्रेडिटर अदर पर्संस हु ट्रांजेक्ट विद दी कंपनी, कौन पर्सन है सबके साथ क्या ट्रांजेक्शन करनी है, ये एक दायरा बना देता है, ये एक स्फीयर बना देता है, एक बाउंड्री बना देता है कि बाउंड्री में कितने लोग हैं, इस बाउंड्री में कौन कौन से पर्सन है, वो कौन किसके साथ ट्रांजेक्शन कर सकता है, वो कौन सी एक्टिविटी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या एक्टिविटी, इससे बाहर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। नेम भी होता है कंपनी का, नेम आपको रखना होता है, तो नेम एक्ट के बाहर नहीं होना चाहिए, ये नहीं राजा महाराजाओं के नाम आप ये शो कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहलाया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके क्लॉजेस क्या है, कंटेंट में यानी इसमें क्या सब्जेक्ट मैटर क्या शामिल है वो हम कल डिस्कस करेंगे। मीनिंग पढ़ लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अभिप्राय एक बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का जहां ये कंसिडर किया जाता है कि इसके बाद ही अगर मेमोरेंडम एसोसिएशन में सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, आपने शो कर दिया है, तो हम कहेंगे कंपनी का क्या हो गया, इनकॉर्पोरेटेड। पीछे हमने रजिस्ट्रेशन में पढ़ा ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी हमें क्या करना होता है, शो करना होता है। और ये क्या, एक अगर सिंपल लाइन बताऊं तो मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या बताता है, संस्था के ऑब्जेक्टिव को शो करता है, एक सिंपल सा लाइन, ये एक बाउंड्री लाइन है जिसके दायरे में रहकर ही सारी एक्टिविटी करनी है, इससे बाहर कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। ओके बेटा, आई होप टॉपिक समझ आया होगा, थैंक यू।